दिल्ली एनसीआर की रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस प्रोजेक्ट को लेकर आज दोबारा से दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार खानी पड़ी। ये इसलिए क्योंकि पिछले महीने की सुनवाई में सख्त आदेश पारित होने के बावजूद दिल्ली सरकार ने केवल 450 करोड़ रुपया ही अभी तक रिलीज किया है। याद रखिएगा, दिल्ली सरकार के हिस्से में लगभग 1300 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा आता है जो इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है। 30,000 करोड़ से की ज़्यादा की लागत का ये प्रोजेक्ट बन रहा है जो दिल्ली एनसीआर के अलग अलग शहरों को जोड़ेगा। दिल्ली मेरठ की एक लाइन डलनी है, उसके अलावा दिल्ली शाहजहाँपुर निमराना की एक लाइन लगनी है जो SNB प्रोजेक्ट कहा जाता है। और दोनों ही प्रोजेक्ट जो हैं फिलहाल धीरे चल रहे हैं, रुके हुए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का ये कहना है कि राज्य सरकारें जो है वो पैसे नहीं दे रही। हालांकि पिछली सुनवाई में हरियाणा सरकार ने कहा था कि उन्हें जो पैसा देना था वो उसको रिलीज कर चुके हैं। अब दिल्ली सरकार के ऊपर पिछले जुलाई से और अब नवंबर हो गया है लगातार सवाल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार से कर रही है कि अगर आपके पास विज्ञापन छापने का बजट है, अगर आप अपने सालाना बजट में विज्ञापन के लिए 500 से 700 करोड़ रुपए का आवंटन कर सकते हैं, तो इतना ज़रूरी जो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट है उसके लिए आप पैसा क्यों नहीं आवंटित कर रहे। याद रखिएगा, ये प्रोजेक्ट केवल रिंग रेलवे का ही नहीं बल्कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, जिससे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम होगा, गाड़ियों की संख्या कम होने की उम्मीद है और उसकी वजह से प्रदूषण और पेट्रोल की खपत दोनों पर ही सीधा असर पड़ना है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट लगातार दिल्ली सरकार से सवाल करे जा रही है। आज भी जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता की वाली खंडपीठ ने यही सवाल किया कि अगर आपके पास बजट में विज्ञापनों के लिए बजट आवंटित करने का पैसा है, तो इस मामले में जहाँ पर इन्वायरमेंट सेस भी आपके पास आ रहा है, जो प्रदूषण को लेकर जितने भी सेस है या टैक्स है वो भी आपके पास आ रहे हैं, इसका पैसा आप रिलीज़ क्यों नहीं कर रहे। अब बहरहाल 7 दिसंबर को इसकी सुनवाई अगली होनी है और सरकार से सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगले बार तक अगर आपने पैसा पूरा रिलीज़ नहीं किया तो हम आपके एडवर्टाइजिंग बजट से पैसा निकाल कर इधर पैसा भेजने के लिए आदेश पारित कर देंगे, हमें आप आदेश देने के लिए मजबूर मत कीजिए। अब आगे क्या होगा वो देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण का आलम है, जो ट्रैफिक का आलम है, उसके लिए बहुत ज़रूरी कुछ करना है।